बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार का कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के साथ छुपन छुपाई का खेल जारी है। बात तो चली थी कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का एक साझा कैंडिडेट हो, मगर नीतीश कुमार इसको ले आए 2019 के पीएम कैंडिडेट पर। ना तो कोई चर्चा, ना कोई गहमा गहमी, मगर फिर भी नीतीश कुमार का आगे बढ़कर ये कहना कि वो 2019 के चुनाव में पीएम कैंडिडेट नहीं होंगे, गले नहीं उतरा। बात तो चल रही थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष का संयुक्त कैंडिडेट हो, मगर नीतीश कुमार पहुंच गए सीधे पीएम कैंडिडेट पर। कुछ तो बात है जिसे नीतीश कुमार बोलकर भी नहीं बोल पाए। आई एम नॉट द फेस ऑफ अपोजिशन फॉर 219, नाइदर आई कैन बी। मुझ में न वो क्षमता है, न मेरे मन में वो एस्पिरेशन है। प्लीज इसको छोड़ करके बात करिएगा तो बड़ा बढ़िया बात होगा, लेकिन जहां अभी आपको कोई मिल नहीं रहा है तो कोई ना कोई को तो ध्वस्त करना है, तो काहे का करिएगा। अच्छा, आज तक आप देखें जिसका नाम चलता हो कभी जाता है। राजनीतिक पंडित नीतीश कुमार को लेकर अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं, मानो बस वो अभी बिहार में गठबंधन को तोड़ देंगे और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। मगर नीतीश कुमार की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साबित हो गया कि उनका निशाना लालू प्रसाद यादव और उनकी आरजेडी नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठी कांग्रेस की लीडरशिप है। अरे भाई, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, ये सब आप लोगों के का इंटरप्रिटेशन है, जो आपको करने का मौलिक अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पहुंच गई, यानी बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। नीतीश कुमार के इन अरमानों की खबर दिल्ली में बैठी कांग्रेस लीडरशिप को भी बखूबी है, और शायद यही वजह है कि उसने विपक्षी एकता तोड़ने का इल्ज़ाम नीतीश कुमार पर रख दिया है। इसरार अहमद शेख, गो न्यूज़।